नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सीआईटी एनसीआरटी लाइव फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम। माय नेम इज तन्वी खुराना एंड इन दिस साइंस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इफ यू हैव रेड दिस चैप्टर, ऐसा कुछ भी है जो आपको समझ नहीं आया, जो आप दोबारा पूछना चाहें तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हमारी एक गेस्ट मौजूद है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगी रिप्रोडक्शन इन एनिमल से जुड़ी हुई। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8800044559। इस वक्त क्लास 8th के सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर 8 के जरिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए भी एनसीईआरटी ऑफिशियल, जिसके लाइव चैट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं और हम तक पहुँचा सकते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारी आज की गेस्ट से, हमारी आज की मेहमान से। हमारे साथ है मिस कल्पना, स्वागत है मैम आपका। थैंक यू रणवी मैम। मैम हैं TGT इन नेचुरल साइंस फ्रॉम SKV नंबर 1 जनकपुरी नई दिल्ली से। तो चलिए मैम से ही पूछते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज रिप्रोडक्शन मैम, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट एंड व्हाई इज इट एसेंशियल, एंड वन मोर थिंग वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट इज इट नेसेसरी फॉर वंस सर्वाइवल दिस प्रोसेस, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज। यस मैम, रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन काइंड। यहाँ हम देखते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं, जैसा कि सभी बच्चे 7th क्लास में भी पढ़ कर आए हैं कि सभी पौधे अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, और इससे क्या होता है, उनकी आने वाली पीढ़ी जो है, अगली पीढ़ी जन्म लेती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन किसी एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी संतति यानी उनकी जो जनरेशन्स हैं वो आगे चलती रहे, उसके लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन जो है अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को कहते हैं, और इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली दो तरह की होती है, जिसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि हम देखते हैं पौधों में भी, बच्चों ने पढ़ा है लास्ट ईयर क्लास 7th में कि पौधे जो हैं उनके अंदर नर और मादा दो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ हम देखेंगे 8th क्लास में कि जंतुओं में भी नर और मादा यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जो युग्मक यानी गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये गेमीट्स जो हैं आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। तो गेमीट्स जो हैं क्या होते हैं और किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं वो हमें जानना है। तो पहले ये बात क्लियर हो गई कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय फॉर्मिंग गेमीट्स। गेमीट्स जो हैं दो तरह के होते हैं, मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट। तो जो मेल गेमीट है वो होता है स्पर्म, और फीमेल गेमीट होता है ओवम। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं जाइगोट। उससे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये रिप्रोडक्शन किस तरह से डिफरेंट है ये भी जान लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक अकेला इंडिविजुअल जो है अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकता है, उसे किसी दूसरे साथी की आवश्यकता नहीं होती। ज़्यादातर जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो आइए अब हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स किस तरह से जो हैं एक दूसरे के साथ में फ्यूज करके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं गेमीट्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, इसके लिए जैसे अभी हमने बात की कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों सिस्टम अलग अलग होते हैं। पहले हम जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको अगर हम देखें तो मेल्स में 3 मुख्य अंग हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें, जिसमें हम देख रहे हैं पहला ए पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि स्क्रॉटल साथ में लोकेटेड होती हैं। इसके बाद स्पर्म डक्ट, जो टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं उन स्पर्म्स को
पीनस तक पहुंचाने के लिए हम देखते हैं कि स्पर्म डक्ट कंडक्शन का काम करते हैं और फाइनली पीनस दैट इजेक्टुलेट्स आउट द स्पर्म्स। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम देख रहे हैं कि गेमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो गेमीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा, जो एक स्पर्म है स्पर्म के तीन हिस्से होते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं पहला भाग उसका हेड, ये हेड है जहाँ हम देखते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये एक सिंगल सेल है। इस सिंगल सेल को अगर हम देखें तो जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो हेड में, ये इसका है मिडल पीस। मिडल पीस में मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बहुत सारे, ये माइटोकॉन्ड्रिया उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं और ये इसकी एक लंबी सी टेल, ये टेल जो है इसको मूवमेंट में हेल्प करती है। जब ये स्पर्म मूव करता है थ्रू द जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल तो वहाँ मूवमेंट इस टेल के थ्रू ही होती है। सो दिस इज द मेल गेमीट, दैट इज द स्पर्म। अब हमने मेल गेमीट के बारे में जाना, तो इसके बाद हमें देखना होगा फीमेल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम देखें और फीमेल गेमीट्स जो हैं किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्यतः तीन भाग जो हैं वो हैं ओवरीज, ओविडक्ट जिन्हें हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और तीसरा पार्ट है यूट्रस। तो इन हिस्सों को अगर आप देखें तो ओवरी जहाँ ओवम प्रोड्यूस होता है और यह ओवम वहीं पर रेस्ट करता है, हर 28 डेज में एक ओवम प्रोड्यूस होता है, ये ओवरी से मूव करता है टू द फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में जब ये जाता है तो 3 से 4 दिन वही उसके हिस्से में एक में रेस्ट करता है, और इस बीच में अगर स्पर्म वहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्यूजन हो जाता है एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और इसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है वो मूव करता है टू द यूट्रस। और यूट्रस में अगर हम देखें तो यूट्रस के अंदर एक एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है जो इसको सपोर्ट करती है और वहाँ इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है ओवम प्रोड्यूस करना, और इसके बाद हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसे अभी हमने जाना कि फर्टिलाइजेशन क्या है, दैट इज द प्रोसेस वेयर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स, मेल गेमीट दैट इज द स्पर्म एंड द फीमेल गेमीट दैट इज द ओवम टेक्स प्लेस। ये फ्यूजन किस तरह से होता है, तो जो एक ओवम है जिसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो स्पर्म्स हैं दे कम एंड ट्राई टू फ्यूज और एंटर इनसाइड द वॉल ऑफ द ओवम, बट ओनली वन ऑफ देम इज एबल टू पेनिट्रेट थ्रू इट। तो ये है हमारा ओवम जिसमें हम देख रहे हैं कई स्पर्म्स जो हैं दे आर ट्राइंग टू एंटर द न्यूक्लियस इनटू द ओवम, बट ओनली वन ऑफ देम विल बी एबल टू सक्सीड। तो ये जो ओवम है, ओवम को अगर हम देखें कि जब इसके अंदर इस तरह से मूवमेंट होती है तो ये जो स्पर्म है दैट रिलीजेस इट्स न्यूक्लियस इनटू द सेल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ओवम है दैट इज ए यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर, जो हमारा स्पर्म है दैट इज ऑल्सो ए यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर एंड दे बोथ हैव ए सिंगल न्यूक्लियाई। लेकिन अभी ये जो स्ट्रक्चर बना है ये है हमारा जाइगोट, जिसमें आप देख पा रहे हैं कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियाई। सो ए जाइगोट इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, एंड एज इट हैज न्यूक्लियाई फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी जो बच्चा होता है उसके अंदर दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, और वो दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी वजह से आ रही हैं, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम्स लेके आ रहा है, ये जो क्रोमोसोम्स है इसका डीएनए वो दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को केटर करता है,
और इस तरह से जो हमारा जाइगोट है उसके अंदर दोनों की क्वालिटीज होती हैं. तो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दे रिजेंबल विद द फादर एंड सम ऑफ विद द मदर. तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स ओनली. आपने देखा होगा कई बार कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी भी होती हैं जो मामा से, चाचा से या दूसरे और ब्लड रिलेशन वाले फैमिली मेंबर्स से भी मिलती हैं. बिल्कुल नाम हम यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि जो स्पर्म्स हैं वो ओवम के न्यूक्लियस से पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या मल्टीपल स्पर्म्स पहुँचने की कोशिश करते हैं या सिर्फ एक ही पहुँचता है वहाँ तक? जी तन्वी जी, पहुँचने की कोशिश तो सभी स्पर्म्स करते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन थाउजेंड्स, लेकिन यहाँ होता क्या है कि ओनली वन ऑफ देम इज एबल टू पेनिट्रेट. जो ओवम है उसमें एक पॉइंट होता है जहाँ से एंट्री हो सकती है, जहाँ से हम देखते हैं कि ओवा सेपरेट होता है. उस पॉइंट से जब एक स्पर्म अंदर एंटर हो जाता है और अपना न्यूक्लियस रिलीज कर देता है, तो इट सेंड्स द मैसेज टू ऑल अदर स्पर्म्स दैट penetration has been done and fertilization has done. So the rest of the sperms they move away from that. तो इस तरह से हम देखते हैं कि usually एक ही sperm mate कर पाता है, but कई बार ऐसा होता है जैसे आपने देखा होगा in case of twins there is possibility that two of them may fuse, or in case of some exceptions three or four may also unite with the nuclei. Okay, so those are rare cases, right? Yeah, they are rare cases, जिसमें हम देखते हैं कि कभी कभार ही ऐसा होता है. Normally या usually हम देखते हैं one of the male nucleus fuses with the one ova and the zygote is formed. Okay, all right. So let's move further, ma'am. And हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो fertilization का process है ये body के अंदर ही होता है सभी organisms के लिए? जी मैम, यहाँ हम देखते हैं कि सभी में बॉडी के अंदर नहीं होता, कुछ में बॉडी के बाहर भी होता है, लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं जहाँ हम देख रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर में इट इज़ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओनली. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे पहले कि किस तरह से ये डेवलपमेंट होती है. तो इस केस में जैसे अगर हम देखें तो यहाँ मैंने इसको शो करने की कोशिश की है. आप देखेंगे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें हमने देखा तीन पार्ट्स थे. दिस इज द ओवरी, दिस इज फेलोपियन ट्यूब एंड दिस इज यूट्रस. सो वन ऑफ द स्पर्म ट्राइज टू एंटर इनसाइड एंड हियर वी फाइंड दैट दिस स्पर्म इट हैज टू रीच द ओवम विच इज लाइंग इन द फेलोपियन ट्यूब. सो हियर फेलोपियन ट्यूब जो है इससे होके ये मूव करके एग तक पहुंचेगा. इस बीच में मूवमेंट में इसको हेल्प करते हैं इसके टेल, जो हम देखते हैं कि एक फ्लाजिला की तरह है, और ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है जिससे ये पहुंचता है एग तक. जब ये स्पर्म एग के पास पहुंचता है और फ्यूजन होता है तो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का. आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी सी दैट देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो देर आर वेरियस स्टेप्स. यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ओवरी है इसके अंदर एग या ओवम प्रोड्यूस होता है. ये ओवम जो है थ्रू द फेलोपियन ट्यूब मूव करता है. फेलोपियन ट्यूब में हम देखेंगे कि दिस इज द पार्ट वेयर द एग रेस्ट फॉर 3 to 4 days एंड इफ दैट स्पर्म्स कम हियर फॉर फर्टिलाइजेशन इट कम्बाइंस एंड दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए जाइगोट. ये जो जाइगोट बनता है, अब इसके अंदर टू न्यूक्लिया है जैसा कि अभी हमने देखा था. जब ये जाइगोट बन जाता है इट स्टार्ट्स फर्दर डिवाइडिंग एंड इट फॉर्म्स नंबर ऑफ सेल्स. जाइगोट हमारा यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर था, लेकिन अब वो जाइगोट डिवाइड करता है और डिवाइड करके आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द टू सेल स्टेज, देन इट इज 4 celled, 8 celled, 16 celled एंड इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग. डिवाइड करते हुए जब ये पहुंचता है इट ऑल्सो कीप ऑन मूविंग थ्रू दिस ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, एंड रीचेस द यूट्रस पार्ट. यूट्रस इज द रीजन वेयर we have seen that the development of the embryo takes place. तो यहाँ पे पहुँच कर it gets implanted into the
एंडोमीट्रियम, दैट इज द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक एग था वो फेलोपियन ट्यूब में आया, जाइगोट बना और जाइगोट डिवाइड करते हुए मूव करता है एंड इट गेट्स इम्प्लांटेड इनटू द एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ द यूट्रस. ओके मैम, जो आपने बताया कि हर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होता है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है, तो इस तरह जो उनकी डेवलपमेंट होती है बेबीज की, एग्स फर्टिलाइज होते हैं, ये भी क्या इनसाइड द बॉडी नहीं होती है, ये भी एक्सटर्नल प्रोसेस है? जी मैम, वो भी बाहर होगा. तो जैसे हमने देखा यहाँ पर कि इसके अंदर जो है डेवलपमेंट अंदर हो रही थी और ये पूरा प्रोसेस जो है विद इन द बॉडी है. लेकिन अगर हम देखें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिसमें कि ये बॉडी के बाहर होता है. बॉडी के बाहर जिनमें होता है उनमें हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स. देयर इज वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉग, सिल्क मॉथ, जिसमें हम देख रहे हैं कि दे ले एग्स. अब वो जो है बॉडी के बाहर जो है अपने एग्स रिलीज करते हैं और वहां क्या होगा, जब वो बाहर एग्स रिलीज कर देते हैं तो जो फ्यूजन है, जो फ्यूजन प्रोसेस है यानी जो फर्टिलाइजेशन है, दैट आल्सो अकर्स आउटसाइड द बॉडी. तो बॉडी के बाहर जो है फ्यूजन होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि बॉडी के बाहर ही जो है वो प्रोसेस होगा जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है दैट अकर्स आउटसाइड द बॉडी. तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स में जिनमें हो रहा है, उसमें से हम एक फ्रॉग को जानते हैं. तो फ्रॉग की लाइफ साइकिल हम यहाँ देखते हैं. फ्रॉग की लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो फ्रॉग में जो है डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर ही हो रहा है. तो इसको अगर हम देखें तो किस तरह से होता है, आइए मैं आपको एक साइकिल के थ्रू या एक स्टोरी बोर्ड के थ्रू दिखाने की कोशिश करती हूँ. तो जिसमें अगर हम देखें, दिस इज द फ्रॉग्स एग. तो जो फीमेल है इट रिलीजेस इट्स एग्स विद इन द वॉटर और वॉटर के अंदर जब ये एग्स होते हैं तो ये एग्स जो है वहां पे लाई कर रहे हैं. एंड ड्यूरिंग द सीजन, रेनी सीजन, जब फ्रॉग्स जो हैं दे कम टू द वॉटर एंड दे रिलीजेस देयर स्पर्म्स ओवर इट. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एग है वो बॉडी से बाहर रिलीज हुए हैं और जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर ही हो रहा है. इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ जो प्रोसेस है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है. तो इस केस में अगर हम देखें कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जहां यंग वंस बॉडी के बाहर ही डेवलप हो रहे हैं, तो इसमें फर्टिलाइजेशन भी बाहर है और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बॉडी के बाहर है. ये जो चेंजेस हो रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है एग ले करता है, एग ले करने के बाद में फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में डेवलपमेंट भी बॉडी से बाहर ही हो रहा है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन टू अदर स्टेज एंड थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस. यहाँ जैसे फ्रॉग के केस में आप देख सकते हैं कि जब वो लार्वा जो है, जो बेबी है फ्रॉग का, दैट डज नॉट रिजेंबल विद द पेरेंट एट ऑल. वो पेरेंट से बिल्कुल भी मिलता हुआ नहीं है. अगर आप इनिशियल स्टेज देखें फ्रॉग की तो यहाँ आप देखेंगे दिस टेडपोल. टेडपोल जो है इट लुक्स लाइक मोर ऑफ फिश रादर देन द फ्रॉग. तो इस केस में अगर हम देखें तो जो टेडपोल के मामले में ये फिशेस से ज्यादा रिजेंबल करता है रादर देन द फ्रॉग. ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे लार्वे जिनको हम देखते हैं कि वो पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करते, दे हैव टू अंडरगो वेरी ड्रास्टिक चेंजेस जिसमें कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में रिजेंबल करें. तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये जो ड्रास्टिक चेंजेस हैं जो हो रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. तो ये मेटामॉर्फोसिस जो है फ्रॉग में हम देखते हैं. इसी तरह से सभी बच्चों ने 7th क्लास में, आप लोगों ने जब लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ देखी थी तो आपने देखा था कि किस तरह से जो एक सिल्क मॉथ है उसमें कैटरपिलर, देन लार्वा,
लार्वा के बाद में हम देखते हैं देयर इज प्यूपा स्टेज एंड फाइनली देयर इज मैच्योर स्टेज. तो इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए वो डेवलप होते हैं. और ये जो ड्रास्टिक चेंजेस हैं, इन ड्रास्टिक चेंजेस को हम कलेक्टिवली कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. ओके मैम, हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, जैसे फ्रॉग का आपने हमें एग्जांपल दिया जिनकी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है, सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. इसके अलावा कोई और एनिमल का एग्जांपल दे सकती हैं जिनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी आउटसाइड द बॉडी होता है? जी मैम, देर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स जिसमें बाहर होता है, लाइक द फ्रॉग, सिल्क मॉथ, और देर आर सेवरल फिशेज ऑल्सो जो बाहर ही फर्टिलाइजेशन होता है जिनमें. तो इनके केस में हम देखते हैं कि जो एग है दैट इज विदाउट एनी कवरिंग, उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती. दे ले देयर एग्स ऑन द ग्रासेस और अदर सबस्ट्रैटम जिसके साथ वो जुड़ के एग्स उनके वहाँ पर रहते हैं इन ए जेली लाइक मटीरियल. और इस जेली लाइक मटीरियल के ऊपर ही जो है मेल ऑर्गेनिजम्स दे रिलीज द स्पर्म्स, सो द फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन द वॉटर. तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, जिसमें स्टारफिश है, फ्रॉग है, और देर आर सेवरल फिशेज ऑल्सो जिसमें कि एग्स आर विदाउट द कवरिंग एंड फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस विद इन द वॉटर. ओके मैम, जैसे आपने बताया कि जो फीमेल फ्रॉग है वो एग्स रिलीज करती हैं आउट इन द वॉटर, तो एक टाइम पे कितने एग्स रिलीज होते हैं, इसका कोई फिक्स नंबर है, एक दो मल्टीपल? देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ एग्स. जैसे अभी हमने देखा कि इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स जहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के मामले में ज्यादातर जो बेबीज हैं दे आर सिक्योर, सो रेट ऑफ डेथ इज कंपेरेटिवली लेस. बट इन केस ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स वेयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, रेट ऑफ डेथ इज क्वाइट हाई एज दे आर ईटन बाय द प्रेडेटर्स. तो उस मामले में हम देखते हैं कि दे हैव टू प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ एग्स सो दैट देयर पॉपुलेशन कैन सर्वाइव इफ सम ऑफ देम आर इवन ईटन बाय द प्रेडेटर्स. तो इनमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी एग्स होंगे जो कि फर्टिलाइज ही नहीं होंगे बिकॉज स्पर्म कुड नॉट रीच देम. देर आर सर्टेन एग्स विच आर ईटन बाय द प्रेडेटर्स. देर मे बी सर्टेन एग्स विच ड्राई डाउन बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वॉटर. तो देर कैन बी सीजनल इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो, सो दे प्रोड्यूसेस एग्स इन वेरी लार्ज नंबर्स टू फुलफिल दैट नीड ऑफ प्रोपोगेटिंग द इंडिविजुअल्स और द लाइफ. ओके मैम, वी हैव गॉट लास्ट टू मिनट्स लेफ्ट. हम एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे और फिर इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे. जैसे एक एनिमल्स का तरीका हो गया एग्स प्रोड्यूस करना और जो ह्यूमंस होते हैं वो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा कोई और भी मेथड है जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है और जनरेशन आगे बढ़ती है? इसमें हम देखते हैं कि जो अभी आपने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन थी और फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी, इनमें हम देख रहे हैं कि जो एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एग्स दो तरह से प्रोड्यूस होते हैं, एक है विदाउट द शेल और दूसरे हैं विद शेल. जैसे हेन में हम देख सकते हैं कि जो एग्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड विद द शेल, दे हैव ए शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अंदर हो जाता है, जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड देन द एग इज रिलीज्ड एज इट हैज शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो फर्टिलाइजेशन इनमें बाहर नहीं होता, फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही है. लेकिन ये जो हैं एग्स दे मैच्योर, जो फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो इनकी बाहर ही होती हैं. तो यहाँ हम देखते हैं उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज द ओवीपेरस एंड द वीवीपेरस. तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच ले एग्स मे बी फ्रॉग विच हैव विदाउट द शेल और हेन विच हैव शेल, दे बोथ आर ओवीपेरस. एंड देर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव विच डू नॉट ले एग्स, दे प्रोड्यूस द बेबीज, दे आर वीवीपेरस. सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट वी हैव टॉट टूडे. यस एंड थैंक यू सो मच मैम. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स से जुड़ी हुई एंड वी इवन डिड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम. थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और बच्चों से इतने डिटेल में जानकारी देने के लिए. थैंक यू. वेलकम मैम.
थैंक यू हमारे सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और समझ भी आया होगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, अगर साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसे एक बार फिर से देख सकते हैं आप हमारे एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस कार्यक्रम को हम अभी यहीं खत्म करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में हाजिर होंगे मैथ्स का एक कार्यक्रम लेके 8th स्टैंडर्ड के सभी बच्चों के लिए क्यूब एंड क्यूब रूट्स पर। अपने सवाल तैयार रखिएगा और देखते रहिए पीएम ई विद्या चैनल्स। थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार। थैंक यू।